हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश चौधरी, मेरे साथ है महेंद्र रोहत सर। आज हम फिजिक्स में गुरुनीति 22 आउट ऑफ 33 डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले भी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेनली अपन फोकस करेंगे सर इंस्ट्रूमेंट जितने भी है उस पर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यस सर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखा है कि एक सर्किट है उसमें ए और बी के बीच में पूछा हुआ है अपन को कि इसके बीच में ईएमएफ की वैल्यू कितनी है या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पूछा हुआ है। तो देखें यहाँ पर ए टू बी जब हम देख रहे हैं तो ए टू बी में हमारे पास एक बैटरी ई वन दे रखी है, ई टू दे रखी है, ये दो बैटरी ई थ्री की पैरेलल दे रखी है। yes, sir. अब पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा, वही इक्विवेलेंट हो जाएगा। यस सर। और दोनों बराबर भी है तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट ई टू के बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम बी टू ए अगर पोटेंशियल लिखना चाहें, yes, sir. तो यहां से यहां गए पोटेंशियल इंक्रीज हुआ बाय ई फोर। यस सर। यहां से ऊपर वाली ब्रांच से पहुंच जाओ पोटेंशियल बढ़ गया एक्स्ट्रा ई थ्री। यहां से आगे बढ़े पोटेंशियल बढ़ गया ई टू। यहां से और आगे गए पोटेंशियल बढ़ गया ई वन। फाइनली हम पहुंच गए ए पर। yes, sir. तो ये हमने जब बी टू ए लिखा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता रहे हैं फाइनल माइनस फाइनल ए माइनस। तो हमें यही पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। yes. तो उसकी वैल्यू आ गई चारों का समेशन जो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यस सर। सेकंड, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एन इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर देन रेशियो ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंट टू ईएमएफ इज। देखो यहां पर हमारे को एक चीज देखनी होगी, ईएमएफ जब सेल से कोई करंट आप लोड पे नहीं फ्लो करवा रहे हैं इसका मतलब उसकी दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप ईएमएफ बोलेंगे। और टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से अपन बोले तो जब सेल से आप किसी लोड में करंट ले रहे हैं, करंट सप्लाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो था उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज हमारे को मिलेगा उसके दोनों टर्मिनल के बीच में। और ये चार्जिंग के टाइम पर ज्यादा भी है। यस सर। तो हम देखते हैं E जो है वो तो EMF हो गया, EMF, ठीक है। और ये एक सेल है, सॉरी EMF वो E है और ये एक कोई सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R। इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर से कनेक्ट कर दिया। तो इससे अगर अपन देखें तो करंट आई फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस एन आर आर प्लस आर। तो यहां से हो जाएगा ई अपॉन में एन प्लस वन इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। जनरली अगर अपन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हुआ है उतना कम पोटेंशियल अपने को इसके दोनों टर्मिनल पे मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R हम बोलेंगे। I की वैल्यू ये पुट करेंगे तो E माइनस I की वैल्यू है E बाई N प्लस वन टू R, और ये R से R क्या कर लेंगे कैंसिल, तो ये N प्लस वन हम लोग लेते हैं, सॉरी N प्लस वन एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा N E प्लस E माइनस E। तो यहाँ से E को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो वोल्टेज हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज आई वो क्या आई N E बाई N प्लस वन। तो V और E का हमारे को रेशियो चाहिए, तो देखो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज V बाई E का रेशियो चाहिए अपने को। तो V की वैल्यू है N E बाई N प्लस वन बाई E। तो यहां से E को कैंसिल कर देंगे हमारा रेशियो आ रहा है N बाई N प्लस वन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गैल्वेनोमीटर गिवन है और उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा डिफ्लेक्शन जो आ जाता है वो 0.2 मिली एम्पियर पे आता है। यस सर। और इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो दे रखा है 1000 ओम, मतलब हम ये बोलते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास।
जिसका कुछ का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैसे तो इसी के अंदर है लेकिन इसको थोड़ा बाहर बना दिया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसमें जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम करंट जिसको अपन आई जी बोल सकते हैं, ये हमें गिवन है। अब बोला था कि इसको कन्वर्ट करना है हमें एज एन एमिटर जिसकी रेंज हो 2 एम्पियर की, कि अभी तो इसकी रेंज है 0.2 मिली एम्पियर, हमें रेंज इसकी बढ़ानी है। yes, तो जब भी हम एमिटर बना रहे होते हैं तो एमिटर बनाने के टाइम पर ये कोशिश करते हैं कि उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाए। yes, sir. तो रेजिस्टेंस अगर हमें कम करना है तो हम रेजिस्टेंस एक पैरेलल में कनेक्ट कर दें। yes, sir. जिस पैरेलल के रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस बोल देते हैं RS. अब क्या होगा, एक तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया और जो भी यहां से करंट आ रहा होगा वो करंट आगे जाके दो पार्ट में अपने डिवाइड हो गया, और जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग दे रहा है आई जी। तो जब यहां पर 0.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो रहा हो उस टाइम पर हमारा जो टोटल एमिटर है वो 2 एम्पियर रीड कर लेना चाहिए। yes, sir. मतलब मेन ब्रांच में जब करंट आ रहा है ये 2 एम्पियर सॉरी, उस टाइम पर इधर से करंट जो चला जाए वो चला जाए 0.2 मिली एम्पियर, ताकि इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया। yes, और अपन उसको क्या बोल रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 2 एम्पियर होता है। yes, तो इस तरह से हम एमिटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट पैरेलल है, पैरेलल हम बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, जहां से अपना फॉर्मूला डेराइव हो जाता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आई जी आर जी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसमें से करंट टोटल में से इतना टाग आई नॉट माइनस आई जी इंटू शंट रेजिस्टेंस। अब पूछा था कि रेजिस्टेंस इस आर एस की वैल्यू कितनी है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई अपनी Ig Rg डिवाइड बाय I नॉट माइनस Ig। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। Ig की वैल्यू है 0.2 मिली एम्पियर 10 टू द पावर माइनस 3। Rg की वैल्यू है अपना 1000 डिवाइड बाय I नॉट 2 एम्पियर में से 0.2 मिली एम्पियर बहुत कम है। yes, sir. तो लगभग अपन बोल सकते हैं कि ये 2 एम्पियर आ जाए। तो यहां से ये पावर कैंसिल हो गई पूरी, 2 से कैंसिल किया तो ये 0.1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो फाइनली अपना जो रेजिस्टेंस आ गया वो 0.1 आ गया। और यहां पे पर अब अगर हम देखें भी तो ये रेजिस्टेंस अगर 0.1 है, ये रेजिस्टेंस था अपना 1000, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो गया। यस सर, 0.1 तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो गया जो हमें एमिटर के लिए चाहिए था अभी, तो कम रेजिस्टेंस भी मिल गया। यस सर, ठीक है। देखो हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसका रेजिस्टेंस हम जी कंसिडर कर देते हैं, ठीक है, और इसके पैरेलल के अंदर हम लोग एक शंट रेजिस्टेंस एस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज दैट एक करंट आई आता है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट जाएगा आई जी, ठीक है, और इधर करंट गया आई माइनस आई जी। अगर देखें तो दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू S कर देंगे। यहां से G की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, G is equal to I minus Ig into S by Ig करेंगे, ठीक है। तो I क्या है, कुल डिफ्लेक्शन की कंडीशन का करंट है, तो मान लो इसका लिस्ट काउंट है K, तो K into number of division हम करेंगे तो करंट के वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहां से G is equal to हम रखेंगे K into 5 minus K into 51 जो कि अपने को डिजायर 20 डिवीजन बोला है। हाँ, पहले वाले पे। हाँ, यस। और एस की वैल्यू कितना है हमारे पास, 12 ओम गिवन है, 12. और डिवाइड बाय आईजी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, के इनटू 51 रखेंगे। तो यहाँ पे के कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे के से, और ये हो जाएगा 50 माइनस 20 बाय 20 इनटू 12, ठीक है। तो ये 3 बाय 2 इनटू 12 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 18 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक रेजिस्टेंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसका बता रखा है 20 ओम, कोई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता रखा है,
और 0.01 एम्पियर करंट इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन की चाहिए, मतलब यहाँ पर जो आई जी की वैल्यू बोलते हैं मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है उसकी वैल्यू है 0.01, रेजिस्टेंस दे रखा है 20। तो जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है इसको कन्वर्ट करना है 20 वोल्ट में, उसके लिए कितना रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो फिर से वही, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे आपने लिया जी, तो वैसे इसका रेजिस्टेंस जो हो गया अपने जी। अब इसमें जो फुल करंट जब जा रहा है आई जी, तब ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये पूरा डिफ्लेक्शन दे दे रहा है जितने भी स्केल डिवीजन है वो। अब क्या करना है, इसको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। हम वोल्टमीटर में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाए। यस सर। क्योंकि इसको हम वोल्टमीटर को लगाते हैं किसी भी सर्किट एलिमेंट के पैरेलल में। यस सर। और पैरेलल में इस तरह से यूज करना है ताकि इस सर्किट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। yes, पड़े नहीं इस तरह से। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट ले लें तो ये एक तरह से बहुत कम करंट खींचेगा या ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, सर्किट वैसा का वैसा रह जाएगा। कोशिश करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हम कर दें। तो इसलिए हमारे पास ये तो था, दे रखा था गैल्वेनोमीटर। yes, हमने एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया और ये रेजिस्टेंस यूज करके इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। yes, अब ये बोल रहे हैं कि हमें ये जो डिवाइस बन गया हमारा, ये एक वोल्टमीटर बन जाना चाहिए जो मैक्सिमम हमारे लिए 20 वोल्ट रीड करके दे दे। अब 20 वोल्ट दिखेगा तो गैल्वेनोमीटर में। yes, और गैल्वेनोमीटर पूरा डिफ्लेक्शन आई जी पे बता देता है। yes, तो इसका मतलब हो सकता है कि जब इसमें करंट की वैल्यू फ्लो रही हो आई जी 0.01, उस टाइम पर वोल्टमीटर आ जाना, वोल्टेज आ जाना चाहिए 20 वोल्ट। तो ये 20 वोल्ट लाने के लिए लिख देते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज V equals to I G into G into total resistance G plus R plus R, ये हो गया। वैल्यूज यूज कर लेते हैं, R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 20 डिवाइड बाय IG कर देते हैं 0.01, और G जो था उसको इधर ले जाएंगे बाद में, तो G इधर ले गए जिसकी वैल्यू थी रेजिस्टेंस की 20, तो ये रह जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस R। तो 20 ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2000 माइनस 20, वैल्यू हो गई 1980 ओम। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। यस सर। तो इतना रेजिस्टेंस हमें सीरीज में यूज करना है इसको एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के लिए, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपन। द सेल ऑफ ईएमएफई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज बैलेंस्ड एट लेंथ एल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर। If another resistance R is connected in parallel with this new balancing length will be। तो यहाँ पर देखें अपन, ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB। जनरली अगर अपन बात करें सर पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर को हम एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने पोटेंशियोमीटर की ये प्राइमरी सर्किट जो है वो कंप्लीट कर दी। तो यहाँ पर मैंने एक सेल लिया, उसका ईएमएफ है ई, और ये गैल्वेनोमीटर है और ये इससे कनेक्टेड है जोकी, और जोकी से हमने बैलेंस लेंथ जो फाइंड आउट की है वो इनिशियली एल है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ जो है वो कितना हो जाएगा एक्स इंटू एल। एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगा कितना ई वाई एल आ जाएगा। ठीक है सर। और इस सेल का अगर बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर हमारे को गिवन है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, इसके पैरेलल में हमने एक लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड। अब ऐसा किया तो इसकी वजह से ये एक लूप के अंदर सेल से एक करंट फ्लो कर, करंट फ्लो करने लगेगा, तो इसका ईएमएफ जो था उससे कम टर्मिनल वोल्टेज अपने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो करंट फ्लो होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई माइनस आई क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज ई बाई करंट सॉरी रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है सर। तो यहां से अपन देखें तो ये नई बैलेंस लेंथ जो होगी वो एक्स इंटू एल वन के इक्वल होगी, तो वी की वैल्यू यहां से अपन पुट करेंगे, ये हो जाएगा ई वन माइनस आर अपॉन में आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे ई कॉमन था और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे e by capital l small l into l, e से e कैंसिल कर देंगे r
प्लस r माइनस r बाई r प्लस स्मॉल r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, l1 बाई l, तो l को इधर ले आएंगे और ये r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो l r अपॉन में r प्लस स्मॉल r, ये किसकी वैल्यू होगी, नई बैलेंस लाइन अपनी l1 आ जाएगी हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया अपना फोर्थ, हो गया दिक्कत सर, फोर्थ आंसर, फोर्थ अपना आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमें एक प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का दे रखा है जिसका सेल का ईएमएफ है 1 वोल्ट, और इसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट किया जिसका वो रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम, सीरीज में कनेक्ट कर रखा था आपस में। अब जो रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हो गया यहां पे 10 ओम, तो मिनिमम वोल्टेज जो है वायर के एंड्स पर कितना होगा वो बोला है। तो प्राइमरी सर्किट में क्या बोल रखा है कि प्राइमरी सर्किट के अंदर प्राइमरी सर्किट में जो वोल्टेज है वो दे रखा है 1 वोल्ट का, तो यहां पर ये हमने प्राइमरी सर्किट के अंदर 1 वोल्ट बोल दिया, और रेजिस्टेंस के लिए ऑल टोटल 15 ओम ही बोला हुआ, जो रियोस्टेट है उसका, किसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बात की थी तो हम उसको नहीं देंगे। तो हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट ले लिया आरएच, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 15 ओम है क्योंकि इसको तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वेरी करवा सकते हैं। और ये इस प्राइमरी सर्किट का जो पोटेंशियल था रियोस्टेट था, इसको पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट किया, और वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है यहाँ पे कुछ 10 ओम ये रखा। पूछा है कि एबी के अक्रॉस कितना मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो सिंपल सा एक सर्किट ही बोल दो, जैसे नॉर्मल हम सर्किट सॉल्व करते हैं वैसा ही है, क्योंकि इसके आगे हम सेकेंडरी सर्किट में जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कैलकुलेट करना वोल्टेज वो लगाते हैं। यस सर। तो हमें तो केवल इतना पूछा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, तो सिंगल एक लूप है। यस सर। एक लूप है तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा वायर के अक्रॉस, मैं बोल सकता हूँ करंट इनटू रेजिस्टेंस। यस सर। करंट हम बोल देंगे टोटल वोल्टेज जो भी है ईएमएफ उसका, बाय टोटल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, प्लस इसका खुद का वायर का रेजिस्टेंस आर बोल दी। यस सर। ये तो लिखा मैंने करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस आई आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। ये मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम इसको तो वेरी नहीं करवा सकते, इसको भी वेरी नहीं करवा सकते, केवल रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरी करवा सकते हैं। तो मिनिमम रखने के लिए आरएच की वैल्यू मैक्सिमम दे, तो आरएच हमें मैक्सिमम यूज करना है, मतलब इसको दूसरी साइड में खिसका के रखना है कि पूरा रेजिस्टेंस काम में आए। तो ये वोल्टेज हमें मैक्सिमम कितना रिसीव होगा वो पूछा हुआ, ये दे रखा है हमें 1, रियोस्टेट का मैक्सिमम रेजिस्टेंस 15 प्लस ये 10 इनटू 10, तो ये आ गया 10/25 या 0.4 वोल्ट, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मैक्सिमम मिनिमम इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4.4 वोल्ट लग जाएगा। और अगर हम अब इसको यूज करें किसी और डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि हम मैक्सिमम 0.4 वोल्ट तक रीड कर सकते हैं। यस सर। जिसके भी अक्रॉस लगाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पैसेज है हमारे पास, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, द सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट है इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज, फुली चार्ज है, इसका मतलब ये जो है ब्रांच जो है इसको आप एज ए ओपन सर्किट की तरह भी लेते हैं, करंट ठीक है। तो हम यहाँ पर इस ब्रांच को एक बार के लिए सपोज करते हैं कि है, ठीक है। तो हमारे को बताना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर ये I1 जो है करंट इसकी बात करते हैं, तो ये बैटरी I1 करंट दे रही है, ये बैटरी मान लो I2 करंट दे रही है, ठीक है सर। तो यहाँ पर जंक्शन लो देखेंगे तो इधर करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इस लूप के अंदर और एक इस लूप के अंदर KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना, तो I1 इंटू 1 नेगेटिव लेंगे और उसके बाद में प्लस, ये देखो 1 ओम 1 ओम दोनों सीरीज में सेम ही करंट I1 प्लस I2 रहेगा, तो हम डायरेक्टली 2 इंटू I1 प्लस I2 रखेंगे, और यहाँ पे देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लेना पड़ेगा आपने को 2 इंटू I1 प्लस I2, और
फिर आगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे करंट फिर से क्या हो जाएगा, आई वन हो जाएगा। हाँ, तो टू माइनस टू इंटू आई वन विच इज सॉरी प्लस, यहाँ पे देखो ये प्लस सिक्स वोल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये सारे नेगेटिव है, उधर चले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिक्स वोल्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस टू इंटू टू फोर आई वन हो गया माइनस प्लस फाइव प्लस फाइव हो गया फाइव आई वन प्लस टू आई टू, उसको इक्वेशन नंबर वन को। इसके साथ हम इसके अंदर एक दूसरा जो लूप है उसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां से हम चलने स्टार्ट करते हैं। तो I2 I2 into 2 into 2 और नेगेटिव लेंगे और माइनस का इसमें 2 I1 plus I2 I2 फिर यहां फिर माइनस 2 into I2 I2 और बैटरी के पास आ गए प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो माइनस 2 into I2 माइनस 2 I1 माइनस टू आई टू माइनस टू आई टू इज माइनस प्लस फोर वोल्ट। तो आई टू 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 फोर टू सिक्स आई टू हो गया। तो इसको देखेंगे अपन यहाँ पे देखते हैं सिक्स आई टू इनको सबको इधर लेंगे तो ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे और ये क्या रहेगा माइनस टू आई प्लस का आई वन प्लस इज इक्वल टू फोर वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन देखें तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स आई टू हो जाएगा, सिक्स आई टू और फिर ये प्लस फिफ्टीन आई वन और ये थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू एटीन वोल्ट। यहाँ पे माइनस करेंगे कैंसिल हो गए, ये माइनस देखो यहाँ पे ये माइनस थर्टीन आई वन थर्टीन इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन वोल्ट हो जाएगा। आई वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फोर्टीन बाई थर्टीन एम्पियर आई। ठीक है सर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आई वन की वैल्यू वो रखी है तो ये अपना आ गया सेकंड आंसर। सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन जो है उसमें द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट बी, बी या पॉइंट जो है इसका पोटेंशियल अपने को बता रहा है। तो हमारे पास से आई वन की जो वैल्यू है ये रख लेंगे अपन और आई वन की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में अपने को आई टू की वैल्यू और रिक्वायर होगी यहाँ पे। तो इस इक्वेशन के अंदर आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर्टीन बाई थर्टीन आई वन है प्लस टू आई टू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो 2 आई टू इज इक्वल टू 6 माइनस 70 बाई 30 तो ये आ जाएगा 78 माइनस 70 बाई 30। तो यहाँ से अपन बात करते हैं I2 की वैल्यू जो होगी वो क्या है सर हमारे पास 8 और 2 और 3 4 कैंसिल हो जाएगा इधर 4 है तो डायरेक्टली 4 बाय 13 अपन रखेंगे। I2 की वैल्यू हमारे पास 4 बाय 13 एम्पीयर आ गई और I1 की थी 14 बाय और I1 की वैल्यू है हमारे पास 14 बाय 13 एम्पीयर। अब इसको मैं एक बार कंप्लीट कर देता हूं, एक बार अपना क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यहां से अगर अपन बात करें इस पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे ये ग्राउंड है, इसका मतलब ये जीरो पोटेंशियल हो गया तो ये कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया तो 6। फिर यहां से चलेंगे अपन तो ये माइनस आ जाएगा ड्रॉप हो जाएगा माइनस आई वन इंटू वन और ये इसके ऊपर कितना हो जाएगा आई वन प्लस आई टू था आई, यहाँ पे करंट आई वन आएगा और ये आई वन प्लस आई टू इंटू वन करेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा वी वी के। ठीक है सर, तो यहाँ पे सिक्स माइनस आई वन की वैल्यू है 14 बाई 3 और ये माइनस आई वन प्लस आई टू कितना हो जाएगा 18 बाई 13 और इंटू वन इक्वल टू वी वी। ठीक है, तो ये
अपन ये भी 13 13 है ये सर, तो ये 13 इधर क्या रहेगा 2 और 32 32 हो जाएगा 72 बाई 13 6 माइनस करेंगे तो ये VV की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 13 को इधर 78 माइनस 32 बाई 13 हो जाएगा, इसको अगर फाइनली अपन रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6 और ये 46 बाई 13 VV की वैल्यू, ये VV तो इसके अकॉर्डिंग अपना देखेंगे तो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, और अपन चलते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट पे तो हमारे पास से देखो इस सी के ऊपर चार्ज की बात कर रहा है, तो अगर अपन बात करें इसके ऊपर पोटेंशियल सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है सी इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड है। ठीक ठीक है, अगर इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी अगर अपने पास आ जाए तो अपन क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे V BC is equal to क्या हो जाएगा VAB AD plus VAB कर देंगे। सही, ठीक है सर, तो यहाँ पे VBC तो अपने को चाहिए VBC जो कि इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, तो इसमें यहाँ पे करंट था I2 तो I2 क्या हो जाएगा 2 into I2 की वैल्यू है 4/13 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 8/13 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो V की वैल्यू आ गई Q is equal to क्या होता है C into V 2 माइक्रोफेरेड into 2 वोल्ट अपना है, सॉरी ये अपने पास सी की वैल्यू 2 माइक्रोफेरेड नहीं है 4 माइक्रोफेरेड है, तो 4 माइक्रोफेरेड इनटू 2 वोल्ट, तो इसको देखेंगे तो 8 माइक्रोकूलम अपने पास आंसर ये चार्ज हो जाएगा, तो अपना आंसर जो होगा वो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पैसेज वाला पार्ट अपना हुआ, अब अगले में हमें एक बल्ब दे रखे हैं, कुछ ए बी सी तीन बल्ब दे रखे हैं, ए और बी के लिए बोल रखा है कि ए और बी की रेटिंग सेम है कि 220 वोल्ट जब इसके अक्रॉस होता है तो 200 वॉट पावर कंज्यूम करता है, तो रेटिंग का मतलब यही है कि 220 वोल्ट यहां लगा 200 वॉट पावर, सेम ऐसे ही बी के लिए बोल रखा है 220 वोल्ट पे 200 वॉट ये देगा, और जो बल्ब अपना सी है वो बोल रखा है 100 वॉट का है कि ये 220 वोल्ट पे 100 वॉट पावर कंज्यूम कर। अब इन कुछ ऑप्शन बता रखे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो टोटल वोल्टेज है वो कुछ भी अगर हम V कंसीडर कर लें तो ये टोटल वोल्टेज इन दोनों बल्ब में बराबर बराबर रेटिंग है, बराबर रेटिंग है बराबर बराबर रेजिस्टेंस भी होंगे इनके। अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो बाय चांस बल्ब का, तो रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं पावर P हम लिखते हैं V² / R, तो पावर लिखते V² / R को उधर ले गए बाय पावर, रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर दे रखा है, उससे रेजिस्टेंस निकालना चाहते तो निकाल सकते, लेकिन सीधा ही कंपेयर कर लो कि दोनों की रेटिंग सेम है तो हम बोल देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका रेजिस्टेंस भी R होगा, R है तो हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो रहा होगा। यस सर, तो इसमें वोल्टेज V / 2 डिवाइड हुआ, इसमें वोल्टेज V / 2 डिवाइड, इसका पावर जो है उसके कंपैरिजन में हाफ है। यस सर, अगर पावर हाफ है रेटेड वोल्टेज वही है, रेटेड वोल्टेज वही है पावर हाफ है, तो रेजिस्टेंस हम बोल देंगे डबल है, ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है 2R। ये हमें कंडीशंस बता रखी। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है कि सारे जो बल्ब है वो इक्वली ब्राइट है, मतलब सारे जो बल्ब है बराबर पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं, तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, हमने रेजिस्टेंस अज्यूम कर रखा है, सबको कंपेयर कर सकते हैं V और R के टर्म में, तो इसके अक्रॉस पावर हो जाएगा V² / R। जी सर, तो V² / R करेंगे तो 1/4 टाइम्स एक टर्म मिल जाएगा V² / R। तो अगर हम बल्ब A के अक्रॉस पावर बोलें, रेटेड चीज अलग है, अब हमने तो टोटल को डिवाइड कर लिया। यस सर, तो अब पावर इसके क्रॉस आ गया V² / 4R, ये 4 हो गया बाय R, या सेम पावर भी बल्ब के क्रॉस भी क्योंकि सेम रेटिंग। यस सर, सी वाले बल्ब के क्रॉस अगर हम पावर कैलकुलेट करें, ये बी वाले बल्ब की भी पावर दी, सी वाले बल्ब के क्रॉस पावर कैलकुलेट करें तो रेटेड वोल्टेज मतलब वोल्टेज तो V आ रहा है। यस सर, रेजिस्टेंस डबल हो गया 2R,
2R U। तो यहां से हमें मिल रहा है कि C वाले जो बल्ब है इसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो V square by 2R कंज्यूम हो रहा है, और A और B के अक्रॉस पावर कंज्यूम हो रहा है V square by 4R। तो इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस सेम है लेकिन इसके बराबर नहीं है। यस सर। तो पहले हम बोल रखा कि सारे इक्वली ब्राइट है जबकि गलत हो गया, ये गलत हो गया। और इसके अक्रॉस अगर हम देखें पावर के हिसाब से तो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है सी, जबकि लिखा हुआ सबसे कम था वो। यस सर। पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहा है सी, तो ये सबसे ज्यादा ब्राइट होगा, बाकी दो के कंपैरिजन में दोनों कम ब्राइट होंगे। तो सेकंड ऑप्शन यही है, सेकंड ऑप्शन यही है, सेकंड ऑप्शन यही बोला है बल्ब सी जो है शाइन मोर ब्राइटली, शाइन मोर ब्राइटली देन ईच ऑफ द बल्ब ए एंड बी। ए और बी सी बी से ज्यादा ब्राइट है क्योंकि पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, रेटेड होने से मतलब नहीं है पावर कितनी देर की अपने। थर्ड में बोला था कि अगर सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करे तो बल्ब सी जो है वो सबसे पहले फ्यूज होगा। देख भी रहा है कि पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, अगर रेटेड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। यस सर। और जल्दी अगर ज्यादा पावर कंज्यूम करता जा रहा है धीरे धीरे तो इसके फ्यूज होने की पॉसिबिलिटी सबसे जल्दी मिलेगी। यस सर। ज्यादा ब्राइट अगर होता जाएगा तो सी जो है वो पहले फ्यूज हो सकता है। तो थर्ड हो गया। या वोल्टेज के बेसिस भी बोलना चाहे तो वोल्टेज इस पे भी आ रहा है तो इन पे आधा आधा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। यस सर। इस पे पहले मैक्सिमम वोल्टेज पहुंचेगा तो सी बल्ब जल्दी फ्यूज जाएगा। अगले में बोल रखा है कि अगर पावर कंजम्पशन इन टू बल्ब ए एंड बी टेकन टुगेदर इट इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन ऑफ सी, मतलब ए और बी का पावर कंजम्पशन को ऐड कर दे तो सी वाले के पावर कंजम्पशन के बराबर है। यस सर। तो ए और बी का पावर कंजम्पशन ये था, ऐड कर दिया तो ये हो गया v square by 4r plus v square by 4r v square by 2r, c का भी पावर ये है। इसका मतलब इन ऊपर वाले दोनों बल्ब की जो पावर है वो नीचे वाले बल्ब की पावर के बराबर है। यस सर। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन भी सही है। सही। तो अपने ऑप्शन कौन-कौन से सही हो गए सर? सेकंड सही हो गया, यदि सेकंड हो गया और थर्ड भी कि अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ अपने ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next. In adjoining figure, there is no reflection in galvanometer. Find the R is equal to. देखा, galvanometer के अंदर कोई reflection नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो current है, I की value क्या आएगी? Zero. ये point और ये point दोनों same potential पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखें तो ये चार resistance का combination आ रहा है, Wheatstone का concept हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो in balance condition हम बोलें, तो 2 by R is equal to क्या हो जाएगा? 10 by 30 हो जाएगा बैलेंस कंडीशन के अंदर। तो R is equal to क्या हो जाएगा? 3 × 2 is equal to 6 ohm। सिंपल सा इक्वेशन था, सिंपल अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बता रखा है 100 ohm और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है जब करंट है 10⁻⁶ एम्पीयर। अब हम क्या चाहते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एमिटर में जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1 एम्पीयर तक की कैपेसिटी, कि 1 एम्पीयर कैपेसिटी वाला एक हमें एम्पीयर एमिटर बढ़ाना है। yes, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी चाहिए? तो फिर से यही हुआ कि एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास जिसका खुद का मैक्सिमम करंट की वैल्यू कुछ आईजी, जब फ्लो होगी तब रिफ्लेक्शन खुला आएगा। इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमने जी बोल दिया। अब अगर इसको एमिटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम शंट रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते हैं कुछ, तो हमने पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया आर, शंट रेजिस्टेंस बोलना चाहिए जो 1 एम्पीयर का है, मतलब जब 1 एम्पीयर करंट ब्रांच में फ्लो हो रहा हो तो उस टाइम पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देना चाहिए, आईजी उसके अंदर से फ्लो जाना चाहिए। तो फिर से वही है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में बराबर करना है। अगर I टोटल करंट था तो यहां से करंट हो गया I - IG, पैरेलल की वजह से पोटेंशियल बराबर हो गए तो ये हो गया IG * G इक्वल्स टू I - IG * S। यस सर। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई IG G डिवाइड बाय I - IG। तो हमें गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट बोल रखा है 10⁻⁶ -6 एम्पियर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोल रखा है 100 ओम डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, आई की वैल्यू है 1 एम्पियर माइनस 10⁻⁶ करेंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू। यस सर। नेगलेक्ट कर देंगे इसको, तो ये हो गया 10⁻⁶ 10⁻² तो 10⁻⁴ ओम ये वैल्यू आ जाएगी। यस सर।
तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁴ ओम के बराबर हमें यूज करनी है, या ऐसे बोलते हैं इसको 0.1 मिली ओम बोल सकते हैं। यस सर, इस तरह से वैल्यू होती है। ठीक है, ये 10⁻⁶ यहाँ। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ ओनली 100th part ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज टू बी पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी ओम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। देखो हमारे पास ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस हम जी कंसिडर कर लेते हैं, और इसके पैरेलल के अंदर हमने एक शंट रेजिस्टेंस एस है। ठीक है, इधर जो है वो कह रहा है 100th part, मतलब आई बाई 100 ये यहां से पास कर रहा है टोटल करंट आई, सपोज दैट आई, तो यहां पे आई माइनस आई बाई 100 पास करेगा, इसको हम डायरेक्टली 99 आई बाई 100 बोल सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पे वो, और यहाँ पे दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस कर देंगे, आई जी की वैल्यू आई बाई 100 इंटू जी इज इक्वल टू आई एस है हमारे पास 99 आई बाई 100 इंटू एस। अब हमारे पास देखो आई बाई 100 से आई बाई 100 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू जो है वो जी बाई 99 हो जाएगा, और यही हमें पूछा था, यही हमें पूछा था, जी ओम दिया हुआ था, तो जी बाई 99 सेंट अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड सेल दे रखा है 1 वोल्ट का, और ये जो है बैलेंस हो रहा है 500 सेंटीमीटर 5 मीटर मान लो पोटेंशियोमीटर वायर पे। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कुछ कंसीडर करने के लिए बोला नहीं है, उनको R0 बोल रखा है। अब बोल रखा है कि जो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है उसको अगर हम इंक्रीज कर दें 1 मीटर से, जो भी पहले लेंथ थी, पहले की लेंथ हमें बता नहीं रखी, लेकिन पहले वाली लेंथ से 1 मीटर अगर हम इंक्रीज कर दें, हाँ लास्ट में बोल रहा था कि पहले की लेंथ L सेंटीमीटर कंसीडर करनी है, तो फिर इसको भी सेंटीमीटर में यूज कर लेंगे। यस सर, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। यस सर, तो देखिए पहले यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर वायर था उसका खुद का मतलब टोटल लेंथ थी L, और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था। यस सर, और इसका जो कनेक्शन था ये हमने प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड किया हुआ है किसी बैटरी से, मान लिया रेजिस्टेंस के लिए बोल रखा है वो कंसीडर करेंगे अपन, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप पूरा का पूरा इसके अक्रॉस आ रहा था। अब यहाँ पर इस पॉइंट्स के अक्रॉस हमने एक दूसरा सेल स्टैंडर्ड सेल लिया जिसका ईएमएफ कुछ था 1 वोल्ट, इसको ये नोट लेते 1 वोल्ट था, तो ये बैलेंस हो रहा था यहाँ पे 500 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कुछ लगाया था जी सर, तो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दे रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था, तो ये नल पॉइंट वाली लेंथ मिल गई 500 सेंटीमीटर। अब था क्या कि इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था पूरा पूरा वायर के अक्रॉस आ रहा था, तो जो 500 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था जीरो करंट है जितना यहाँ पे यहाँ आ रहा था। यस सर, तो हम बोल सकते हैं कि जो ईएमएफ था इस सेल का वो प्रोपोर्शनल था, या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप लिख ही देते हैं सीधा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वायर के अक्रॉस पोटेंशियल बाय लेंथ इतना आ रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस बोला नहीं होना यूज करते उसको। अब ये तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब यूनिट लेंथ में कितना आ रहा है, वहां पे डिफ्लेक्शन दे रखा है 500 सेंटीमीटर पे। यस सर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, सेम यूनिट चल रही है, ये पहले की सिचुएशन थी। अब क्या किया यहां पर इसमें एक्स्ट्रा लेंथ और इंक्रीज कर दी, यहीं पे इंक्रीज कर देते हैं एक्स्ट्रा लेंथ। यस सर, एक्स्ट्रा लेंथ 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और बढ़ा दी। अब पूछा हुआ है नल पॉइंट कहाँ आएगा, सेल तो वही अपना सेल ई, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हो सकता है चेंज हो गया हो, चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जो भी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूरा का पूरा ई बाय लेंथ एल बाय 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अब नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, कुछ एल लेंथ पे आ गया, सेम सेल है रेशियो इनका ले लें, तो जब हम इनका रेशियो लेंगे तो रेशियो लेने पर ये वैल्यू आ गई, या इक्वल कर दो E नॉट बाय L प्लस 100 L स्मॉल L इक्वल्स टू E नॉट बाय L इनटू 500, E नॉट कैंसिल हो गया अपना। यस सर, स्मॉल L की वैल्यू पूछी थी तो ये हो गई कैपिटल L प्लस 100 डिवाइड बाय स्मॉल L इनटू 500 कैपिटल L।
ये अपने पास नई बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। ठीक, तो ये अपना इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा नई बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, जो सेंटीमीटर में आ रही है क्योंकि सारी वैल्यूज अपने सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A wire connected in left gear of a meter bridge balance a 100 ohm resistance in the right gear at point which divide the bridge wire into ratio 3:2, then find the resistance of wire. देखो ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज का एक मीटर लेंथ का वायर है और एक गैप जो है हमारे पास ये था और दूसरा गैप है ये लेफ्ट वाले गैप में हमने एक ही रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया है। ठीक है सर, और यहाँ से हमने ये एक गैल्वेनोमीटर जी लिया और इससे ये कनेक्टेड थी एक जॉकी जे और यहाँ पर इसके अंदर एक कितना ओम का रेजिस्टेंस 10 ओम रेजिस्टेंस बॉक्सेस में कनेक्ट किया। ठीक है, और ये जो बैलेंस लेंथ है वो एल है तो ये जो है वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस एल एल वन। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमारे को L1 by 100 माइनस L1 जो है इसका रेशियो गिवन है कितना है 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मतलब बैलेंस कंडीशन की बात करें तो R इन बैलेंस कंडीशन हम ये बोल सकते हैं कि R by 10 इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो इन दोनों के लेंथ के रेशियो के रहेगा तो ये 3:2 डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं। ये 2 से 5 हो जाएगा तो आर की वैल्यू जो होगी वायर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 15 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, 15 ओम आंसर कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मीटर ब्रिज दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन की जैसे और जो गैप है उनमें रेजिस्टेंस पी और क्यू बोल रखा है। पी जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस बोल रखा है, क्यू उसके कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज बोल रखा है। यस सर, अब बैलेंस जो ऑब्टेन हो रहा है कांटेक्ट जब ब्रिज वायर के अक्रॉस लाए तो 40 सेंटीमीटर पे एक एंड से 40 सेंटीमीटर पे लगभग मिल रहा है। अब जो कॉइल क्यू था दूसरा रेजिस्टेंस था उसको शंट कर दिया एक रेजिस्टेंस 50 ओम के साथ वो और कनेक्ट कर दिया उसके अक्रॉस। अब पूछा हुआ है कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर अगर मूव कर रहा है तो P और Q की वैल्यू कितनी ये हमसे पूछा। तो देखें जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक गैप के अंदर रेजिस्टेंस लगा रखा है P, दूसरे गैप के अंदर रेजिस्टेंस लगा रखा है Q मीटर ब्रिज में और ये मीटर ब्रिज का वायर हम लेते हैं 1 मीटर का जो रहता है और यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जॉकी के थ्रू नल पॉइंट अपन को देख और फिर इधर सर्किट कुछ कंप्लीट किया हुआ है ताकि करंट या नल पॉइंट जो हम देख सकें कि रियोस्टेट ये सारी चीज़ें ये मैं कनेक्ट करके बता रहा था। अब इस जॉकी को मूव करवाते हैं जब तक कि नल पॉइंट जीरो करंट इसमें नहीं मिलेगा। जैसे करंट जीरो मिलता है तो हम ये बोल देते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यस सर, तो और व्हीटस्टोन ब्रिज में बोलते हैं कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नल पॉइंट दे रखा है तो पी बाई क्यू इक्वल्स टू इधर वाली लेंथ और इधर वाली लेंथ का रेशियो। यस सर, अब ये बोल रखा है कि जो नल पॉइंट मिल रहा है वो एक एंड से 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है 40 सेंटीमीटर ये कम रेजिस्टेंस है तो उसके सामने वाले साइड भी कम लेंथ वाली है तो हम बोल रहे होंगे कि ये है 40 सेंटीमीटर की लेंथ तो रिमेनिंग 60 हो जाएगा। नहीं, रिमेनिंग 60 हो गया क्योंकि मीटर ब्रिज है 1 मीटर की लेंथ होती है सर। यस सर, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉल रेजिस्टेंस था रेशियो बराबर होने के लिए इधर वाले साइड स्मॉल ही आनी पड़ी तो उधर वाला रेजिस्टेंस हो गया लेंथ हो गया 40 इधर वाली लेंथ हो गई 60 क्योंकि इधर वाले रेजिस्टेंस का रेशियो ले लिया इधर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंगे रेजिस्टेंस लिखते हैं R इक्वल टू रो L बाई A दोनों में रो सेम है एरिया सेम है लेंथ के प्रोपोर्शनल ही आए तो इसलिए लेंथ के रेशियो में ये वैल्यूज हमारे पास आ गई थी तो P बाई Q का रेशियो यहां से आ गया था 2:3 इस रेशियो में P और Q। अब क्या बोल रखा है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया शंट कर दिया इसको और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम हमारी लगाते ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अपना क्योंकि पैरेलल में जोड़ते ही 50 से भी कम वैल्यू आएगी इसकी। ये रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो इधर वाली लेंथ थोड़ी कम हो जानी चाहिए इधर वाली लेंथ थोड़ी बढ़ जानी चाहिए तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन में बताया नहीं था मैं कि 10 सेंटीमीटर किधर मूव किया वो हमें खुद ही देखना है लॉजिकली हमें सोचना है कि इधर वाला रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ये लेंथ कम होनी चाहिए ये वाली लेंथ ज्यादा होनी चाहिए तो जैसे ही इधर रेजिस्टेंस लगाया 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो गया
10 सेंटीमीटर शिफ्ट होने का मतलब इधर कितना हो गया 50 इधर वाला भी 50 टोटल 100 होगा। तो अब जो रेशियो है P बाय यहां पे जो भी रेजिस्टेंस अभी के लिए क्यू डैश बोल देते हैं लिख देंगे इसकी वैल्यू इक्वल्स टू इधर भी लेंथ है 50 50 सेम रेशियो 1:1 इसका मतलब है जैसे ही हमने 50 ओम कनेक्ट किया दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो गए P equals to Q dash parallel में resistance बोल सकते हैं R1 R2 by R1 plus R2 ये होगी। P by Q की value एक ही आ रखी है 2/3 अपने पास और P by Q की एक value ही आ रखी है। अब इन दोनों equation से हमें P और Q की value calculate करनी है तो इसको calculate करते हैं बराबर। तो यहां पर P की value यहां से रख सकते हैं अपन yes sir या P by Q बोल के वैल्यू लिख सकते हैं 2/3 तो ये हो गया P by Q की वैल्यू अपन ने लिख दी 2/3 बाकी अपने पास रिमेनिंग था 50 by Q plus 50 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q twice plus 100 equals to 150 तो 2Q equals to इधर लेंगे 50 रह जाएगा रिमेनिंग Q equals to 25 Q equals to 25 आ गया तो यहां से P की वैल्यू आ गई 2/3 of 25 तो ये वैल्यू आ जाएगी 50/3 तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई जो लार्जर रेजिस्टेंस था ये Q की P की वैल्यू आ गई जो स्मॉलर रेजिस्टेंस था इसके ठीक ठीक है नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18th इन द सोन अरेंजमेंट द एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर प्रिंट्स इफ एसी कॉरस्पोंडिंग टू नल डिफ्लेक्शन द गैल्वेनोमीटर इज एक्स ए व्हाट वुड बी its value if resistance sorry radius of wire AB is doubled. देखो हमारे पास से ये यहाँ पे null deflection आ रहा है तो ये जो length है वो है x तो ये 100 minus x देखा जाए तो इसका और इसका दोनों का जो ratio होगा वो balance condition के अंदर R1 by R2 जो होगा वो x by 100 minus x पे होगा ठीक है एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वन मान लेते हैं और स्मॉल आर टू मान लेते हैं इनका रेशियो लेते हैं हम सही ये आर वन बाई आर टू लेते हैं हाँ। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लेते हैं रो इंटू एल लेते हैं और बाई एरिया और इसका भी रो इंटू एल बाई एरिया तो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा रो से रो कैंसिल हो जाएगा मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया इन दोनों पे डिपेंड करता ही नहीं केवल किस पे डिपेंड करता है लेंथ के रेशियो पे डिपेंड करता है ठीक है लेंथ जब अपन यहां पे डायमीटर चेंज कर रहे हैं त्रिज्या चेंज कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करेगा इसका मतलब हमारे लिए बैलेंस लेंथ जो नई कंडीशन में भी होगा वो एक्स ही रहेगी क्योंकि ये रेशियो जो रहेगा वो लेंथ के रेशियो में रहेगा ठीक है सर तो इसका जो है वो लेंथ बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास कोई चेंज नहीं मिलेगा सेम बैलेंस लेंथ है तो अगर मान लो वायर भी चेंज कर दिया होता हाँ ये बोल दिया होता कि इसके जगह दूसरा वायर ही लगा दिया नहीं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रो चेंज होगा सेम रो चेंज होगा तो दोनों तरफ चेंज होगा यस सर एरिया चेंज होगा तो दोनों तरफ चेंज यस सर यस सर तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा मतलब इंडिपेंडेंट हो सकता है एक्स का एक्स तो इसी के साथ अपना गुरुनीति 22 खत्म होता है ठीक है नेक्स्ट में मिलते हैं तब के लिए थैंक यू धन्यवाद।